करने के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जारी है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। भारत वही जगह जहाँ पे धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर के अंदर लोग कैद हैं, लेकिन विडंबना ये है कि वहीं इसी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर लोग हांगकांग को आज़ाद कराने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनका साफ तौर से प्रोटेस्ट में ये कहना है कि हांगकांग को आज़ाद कर दिया जाए। नीचे बैठ जाना अभी, और नीचे बैठ के ना साइड में लेते रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ। रोलिंग। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तरफ से लोग पहुंचे हैं बड़ी तादाद के अंदर, जैसा कि आप ये यहां पर देख रहे हैं, ये बड़े पैमाने के ऊपर लोग यहां पे मौजूद हैं और इसके अंदर सैकड़ों लोगों की तादाद है जो लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं। तो जैसा है यहां पर इतने लोग बड़ी तादाद के अंदर शामिल हैं, इन सभी लोगों का साफ कहना है फ्री हांगकांग डेमोक्रेसी नाउ, यानी कि हांगकांग को फ्री किया जाए। और इन लोगों का ये मानना है कि आखिर देश के अंदर जिस तरीके से अराजकताएं फैलती रहती हैं, तो उस मामले के अंदर किस तरीके से देश के अंदर हमें आज़ादी मिले और किस तरीके से देश के अंदर हम फ्री हो सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इनका स्टैंड लेने की बात है साफ तौर से कि हांगकांग को फ्री करने के लिए कहा जा रहा है कि हांगकांग को फ्री किया जाए। और किस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो अपने प्रोटेस्ट के लेके भारत के अंदर इस वक्त चाइना के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। फ्री फ्री हांगकांग, फ्री टिबेट, फ्री हांगकांग, शेम ऑन चाइनीज गवर्नमेंट। जो तिब्बत यूथ कांग्रेस अभी हमारा हांगकांग के साथ है, तिब्बत हांगकांग के साथ है। जो हांगकांग के अंदर घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को लेकर आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, वो जो मुद्दा क्या है, चिंग वायलेशन, यहाँ से खून खराबी, वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी चाइना ये मिलिट्री पावर यूज करके हांगकांग में पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करने नहीं देते। वो दुनिया पता है कि चीन अंदर खून खराबी करता है, हम तिब्बत हांगकांग के साथ है। अभी जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना वही वाकई में ट्रांसप्लेंट तिब्बत में, चाइना में, तिब्बत साइब में ऐसे खून खराबी होते हैं। आपका मानना यह है कि जो जिस तरीके से खून खराबी और सेना को लेकर प्रोटेस्ट किए जाते हैं और जो प्रोटेस्ट करती हैं प्रदर्शनकारी हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, और इसीलिए हांगकांग को फ्री किया जाए? हाँ जी बिल्कुल, चाइना वो दुनिया में मिलिट्री पावर करके दुनिया कोई हमारा पीसफुल का मुद्दा दुनिया में देंगे नहीं देता, इसका वायलेशन। तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हम चलते रहेंगे क्योंकि आपके प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल साथ में चलिए। और आपका जो कहना है कि हांगकांग को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, और इस तरीके से आप खुद का एक्टिविस्ट हांगकांग के साथ जोड़ा है, अभी जो हांगकांग के मुद्दा है दुनिया में संदेश है कि चाइना खून खराबी है, हम हांगकांग के साथ है, चीन का नीचे हो जाए, हम तिब्बत जैसे उगुर सिंगजान जो भी है इसका मुद्दा उठा लिए, हम इसके साथ है। तो जैसा कि इनका साफ तौर से यहाँ पे कहना है कि हम हांगकांग के मुद्दे को उठाकर दिल्ली के अंदर हम लोग पहुँचे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि चाइना के अंदर जो हांगकांग जगह है उसको फ्री कर दिया जाए। लेकिन वहीं देश के अंदर धारा 370 को अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर खुद लोग कैद हुए हैं, लेकिन उसी देश के अंदर, उसी राजधानी दिल्ली के अंदर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। उन लोगों का वाइट में रखो, थोड़ा सा वाइट में रखो, तो इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि हांगकांग को फ्री कर दिया जाए। भाई आइए पीछे आइए पीछे आइए पीछे आइए, रोकिए मत। तो जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर अम्ब्रेला लेकर लोग मौजूद हैं, और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये हांगकांग को फ्री करने का प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। उनका साफ कहना है कि जो चाइना के अंदर हांगकांग जगह है उसको फ्री किया जाए, और जब तक फ्री नहीं किया जाएगा, और जो प्रदर्शनकारी हैं जिस तरीके से हांगकांग के ऊपर, उनके ऊपर पुलिस द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उनके विरोध के अंदर यहां पर बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो चाइना के अंदर जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता चलती है, और जो ये एंगल आपका ये है, ये एंगल है, तो हांगकांग को फ्री करने के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जारी है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं
और हम भारत के अंदर इस वक्त मौजूद है। भारत वही जगह जहां पे धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर के अंदर लोग कैद हैं, लेकिन विडंबना ये है कि वहीं इसी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर लोग हांगकांग को आज़ाद कराने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनका साफ तौर से प्रोटेस्ट में ये कहना है कि हांगकांग को आज़ाद कर दिया जाए। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।